कि हमारे एस्प्रेसो इसके रेशो क्या हो गया 1:2 ग्राउंड कॉफी आपने कितना लिया 16 ग्राम्स आप लिक्विड कितना लिया 32 ग्राम्स ये आपका हमारा बन गया जी एस्प्रेसो ये हमारा बन गया जी रेस्टेटो रेस्टेटो का रेशो क्या है 1:1 यानी आपने 16 ग्राम कॉफी आपने ग्राउंड कॉफी निकाले इसके बाद आपने लिक्विड कितना निकाले 16 ग्राम आपने कॉफी निकाले ये हमारा बन गया जी रेस्टेटो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है पिकोलो पिकोलो बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए रेस्टेटो ही चाहिए रेस्टेटो क्या है रेशो 1:1 आपने 16 ग्राम आपने कॉफी निकाले ग्राउंड कॉफी आप उसका हमने 16 ग्राम हमने लिक्विड निकालना है कॉफी एक्सट्रैक्शन करके तो इसमें हमने कितने निकाले 16 ग्राम हमने कॉफी निकाले 16 ग्राम हमने कॉफी लिक्विड भी निकाले इसके साथ हमने 32 ग्राम हमने इसमें मिल्क एड एस्प्रेसो ये आ गया जी रेस्टेटो ये हमारा आ गया पिकोलो तो इसमें हम कितने यूज किया मिल्क 32 ग्राम यानी इसके रेशो क्या बन गया पिकोलो का 1:1:2 हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम मैं हूं बरस्ता आसिफ अली कॉफी सीरीज 4 में आपको वेलकम कहते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एस्प्रेसो और इसका रेशो साथ ही साथ हम सीखेंगे रेस्टेटो का रेशो भी सीखेंगे पिकालो का भी रेशो सीखेंगे और कोटाटो का भी रेशो सीखेंगे तो बिस्मिल्लाह एस्प्रेसो बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे डबल ग्रुप हैंडल में हम लेंगे 16 ग्राम्स कैसे लेंगे वो भी आपको सिखाते हैं आ रहे हैं नज़दीक से सबसे पहले हमने वेट मशीन ऑन किए इसके ऊपर रखे हमने इसके बाद इसको टेयर दबाया इसके बाद हमने इधर मशीन में रखे फिर ग्राइंड किया साथ ही साथ आप ये भी सीखें कि ग्राइंड आपने हर एस्प्रेसो पे आपने फ्रेश ग्राइंड करना है ये ग्राइंड करके इसमें नहीं रखने क्योंकि ग्राइंड करके इसमें रखेंगे जो इसके जो अरोमा है ना ग्राउंड कॉफ़ी का वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमने अभी आपके सामने ग्राउंड का ग्राइंड किए इसके बाद हम इसमें निकालेंगे 16 ग्राम्स हमने निकाले हैं इसमें कॉफ़ी हम कॉफ़ी का वेट करेंगे देखें वेट क्या कितना ग्राम्स आते हैं ये 15.4 आ गया हमने 16 ग्राम्स हमने लेना है 16 ग्राम्स हमारे पास कॉफ़ी आ गए अब आपके पास ग्रुप हैंडल में कॉफ़ी आप सबसे पहले आपने क्या करें इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह करना इसके बाद टेम्पिंग का भी मैं आपको सिखाता हूँ पहले दो वीडियो में मैंने आपको तीसरा तीन वीडियो में मैंने आपको तरतीब से सिखाया इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ ये तक ये डिवाइडर ऊपर रखे इसको घुमाया इसके बाद टेम्पिंग ये है कि टेम्पिंग आपने इस तरह ऊपर रख के आपने एक दफ़ा प्रेस करना है अच्छा टेम्पिंग में बहुत सारे लड़के गलत हरकतें करते हैं आपने नहीं करना है टेम्पिंग आपने एक दफ़ा करना है सिर्फ एक दफ़ा आपने टेम्प किया ऊपर उठाना आपने ये बार बार टेम्पिंग नहीं करना है दूसरा स्टेप आपने टेम्पिंग करने के बाद इस तरह नहीं मारना है जैसे इस तरह लॉक मारते हैं मारने से क्या होगा कि जो साइडों पे आपका खाली जगह होगा तो आप जैसे मशीन में फिट करेंगे तो कॉफ़ी पूरा सरफेस भी नहीं आएंगे साइडों से होते हुए कप में आएंगे तो इसका टेस्ट सही नहीं आएंगे तो आपने पहले आपने क्या करना है इसको एक दफ़ा टेम्प करना है अच्छा दूसरा आपने इस तरह नहीं मारना है साथ ही साथ एक और कुछ गलतियाँ करते हैं बरिश्ता आपने ये टेम्पर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है स्ट्रेट इस तरह रख के आपने प्रेस करना है अच्छा चौथा चीज ये करना है कि बरिश्ता इसमें अंदाजे से निकाल लेते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि इसमें एक दो ग्राम्स कम हो गए तो वो क्या करते हैं इसी तरह मशीन के अंदर डाल के कॉफ़ी निकालते हैं वो आपका रॉन्ग मेथड है यानी गलत तरीका है आपने क्या करना है फिक्स रेशो के हिसाब से फिर फिक्स ग्राम आपने कॉफ़ी लेना है इसके बाद ना प्रॉपर आपने डिवाइडर रख के डिवाइड करना है इसके बाद आपने प्रॉपर टेम्पिंग करना है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है हम इसको मशीन में फिट करके एस्प्रेसो हमने क्या कितना निकाला 16 ग्राम्स आपने कॉफ़ी निकाले अब आपने इसका लिक्विड कितना लेना है 32 ग्राम्स तो ये मशीन आप फिट करता हूँ फिट किया इसके बाद आपको इस तरह की एक कप या इस तरह के गिलास दोनों आपके लिए इक्वल है आप किस में निकालना चाहे आपकी मर्जी है तो मैं इसमें निकालूंगा ताकि आपको भी नज़र आए कॉफी एक्सट्रैक्शन तो ये मैंने ऊपर रखे ये मशीन कप्स मैंने नीचे रखे गिलास वाला ये मैंने टियर किया ये हमारा बन गया डबल शॉट एस्प्रेसो ये देखिए इसका क्रेमा भी आप चेक कर सकते हैं देखें ये हमने कितने ग्राम निकाले 16 ग्राम निकाले इसका हमने निकाले लिक्विड इसको बोलते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्शन ये हमने 32 ग्राम निकाले तो इसके रेशो क्या बन गया 1:2 इसका बन गया एस्प्रेसो अब हम बनाएंगे रेस्टेटो और इसका रेशो क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ग्रुप हैंडल इसमें पुट करेंगे इसके बाद आपने गिलास उठाया नीचे रखिए
एक्सट्रैक्शन करने से पहले मैं इसका रेशो बताता हूँ आपको। अच्छा, रेस्ट्रेटो का रेशो ये होगा कि 1:1, यानी आप सिंगल ग्रुप ले ले या डबल ग्रुप ले ले, आपकी मर्जी है। अगर आप सिंगल ग्रुप 9 ग्राम्स लेंगे तो आपने 9 ग्राम्स आपने लिक्विड ही निकालना है। अब फॉर एग्जांपल मैं निकाल रहा हूँ डबल ग्रुप का, तो मैंने डबल ग्रुप में कितना कॉफ़ी निकाले, 16 ग्राम्स, तो इसमें से मैं निकालूंगा 16 ग्राम्स कॉफ़ी। आ जाए नज़दीक से देखें, ये हमारा आ गया रेस्ट्रेटो। रेस्ट्रेटो क्या होगा, लेस कॉफी होगा, लेस बिटर होगा एस्प्रेसो से, इसकी शॉर्ट एक्सट्रैक्शन की वजह से, एक्सट्रैक्शन मतलब शॉर्ट लिक्विड की वजह से ये आपका क्या होगा, लेस बिटर होगा। ये एस्प्रेसो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगे, बिटर ज्यादा होंगे। इसके बाद हम निकालेंगे पिकोलो। पिकोलो कैसे बनाएंगे, पिकोलो का भी रेशियो हम आपको बताएंगे साथ ही साथ। तो आए, ये हमने मशीन ऑपरेट किया, ये देखें नीचे आपने कप रखे है। रेशियो ये होगा कि आपने रेस्ट्रेटो जितना निकाला है उसका आपने डबल आपने मिल्क यूज करना है। फॉर एग्जांपल 16 ग्राम मैंने कॉफी निकाले, 16 ग्राम से मैंने कॉफी लिक्विड भी निकालना है, वो हमारा क्या बन गया, रेस्ट्रेटो बन गया। अब पिकालो कैसे बनेंगे, पिकालो में उसी के अंदर 32 ग्राम आपने इसमें यूज करना है मिल्क। तो रेशियो क्या बन गया, 1:1:2। 16 ग्राम आपने कॉफी निकाले, 16 ग्राम आपने कॉफी लिक्विड निकाले, यानी एक्सट्रैक्शन 16 ग्राम निकाले। इसके बाद हम इसमें ऐड क्या करेंगे, 32 ग्राम ऑफ मिल्क। आ जाए तो इसका भी हम रेशियो आपको साथ ही साथ दिखाते जाएंगे। पहले हम निकालेंगे रेस्ट्रेटो। पिकालो के लिए भी आप रेस्ट्रेटो के हिसाब से आप कॉफी शॉट लेंगे। तो मैंने 16 ग्राम्स कॉफ़ी निकाले, तो मैंने 16 ग्राम्स ही मैंने शॉट निकालना है। तो ये हमारा आ गया जी रेस्ट्रेटो। रेस्ट्रेटो के अंदर हम मिल्क यूज करेंगे 32 ग्राम्स। ये हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया पिकोलो। ये स्पेशलिटी कॉफी एसोसिएशन की रेसिपी के हिसाब से भी यही बनते हैं। जितना आपने रेस्ट्रेटो निकाला उतना आपने उसका डबल आपने मिल्क यूज करना है। तो आ जाए ये देखें, ये हमारा आ गया रेस्ट्रेटो आ गया। ये देखें पहले फर्क देखें, ये हमारा एस्प्रेसो, ये रेस्ट्रेटो आ गया, ये भी रेस्ट्रेटो आ गया। तो पिकालो कैसे बनेंगे, रेस्ट्रेटो से पिकालो बनेंगे। इसके लिए हम मिल्क यूज करेंगे, इसका जो टेम्परेचर है ना 55 to 60 to 65 जो नॉर्मल रखते हैं ऐसे के हिसाब से, वो 55 to 65 सेल्सियस तक रखते हैं। तो हम इसका भी टेम्परेचर कम रखेंगे और इसमें आप पोर करेंगे। ये आपने एक कप के हिसाब से आपने दूध लिया, फिर आपने इसको 55 सेल्सियस या 60 सेल्सियस आपने गर्म किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मिल्क यूज करना। इसमें कितना मिल्क यूज करेंगे, 32 ग्राम्स आप मिल्क यूज करेंगे, क्योंकि हमने इसमें निकाले हैं 16 ग्राम्स। यानी पहले हमने इसका रेस्ट्रेटो बनाया, रेस्ट्रेटो के बाद हम इसमें मिल्क यूज करेंगे। ये देखें अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगा 32 ग्राम्स। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया जी पिकोलो। ये थोड़ा सा मैं आपको और आसानी से समझाता हूँ। ये बन गया हमारे एस्प्रेसो। इसके रेशो क्या हो गया, 1:2 ग्राउंड कॉफी आपने कितना लिया, 16 ग्राम्स। आप लिक्विड कितना लिया, 32 ग्राम्स। ये आपका हमारा बन गया जी एस्प्रेसो। ये हमारा बन गया जी रेस्ट्रेटो। रेस्ट्रेटो का रेशो क्या है, 1:1, यानी आपने 16 ग्राम कॉफी आपने ग्राउंड कॉफी निकाले, इसके बाद आपने लिक्विड कितना निकाले, 16 ग्राम आपने कॉफी निकाले। ये हमारा बन गया जी रेस्ट्रेटो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पिकोलो। पिकोलो बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, रेस्ट्रेटो ही चाहिए। रेस्ट्रेटो क्या है, रेशो 1:1, आपने 16 ग्राम आपने कॉफी निकाले ग्राउंड कॉफी, आप उसका हमने 16 ग्राम हमने लिक्विड निकालना है कॉफी एक्सट्रैक्शन करके। तो इसमें हमने कितने निकाले, 16 ग्राम हमने कॉफी निकाले, 16 ग्राम हमने कॉफी लिक्विड भी निकाले, इसके साथ हमने 32 ग्राम हमने इसमें मिल्क ऐड किया एस्प्रेसो। ये आ गया जी रेस्ट्रेटो, ये हमारा आ गया पिकोलो। तो इसमें हम कितने यूज किया मिल्क, 32 ग्राम। यानी इसके रेशो क्या बन गया पिकोलो का, 1:1:2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, कोटाटो कैसे बनते हैं और इसका रेशो क्या होगा। मैं कप चेंज कर रहा हूँ, ये वाला, ये हमारा 140 ml का है, हम इसमें 152 ml का हमारा टोटल हमारा लिक्विड आता है। तो ये हमारा 180 ml का है ये कप्स, ये 140 ml का कप्स है ये शीशे वाला। तो मैं कप चेंज कर रहा हूँ, ये हमने रखिए, कप का फर्क होता है बाकी सब सेम ही है। तो इसमें से मैं कॉफ़ी शॉट कितना निकालूंगा, कॉफ़ी शॉट का भी डिफरेंट मैटर, हर बंदा अपना अपना यूज़ करते हैं, लेकिन जो एससीए के हिसाब से ना वो 1:1, यानी एससीए बोलते हैं स्पेशलिटी कॉफ़ी एसोसिएशन,
इनका भी रेशो यही होता है कि 1:1 यानी 16 ग्राम आपने कॉफ़ी निकाले ग्राउंड कॉफ़ी, उससे आपने 16 ग्राम की आपने लिक्विड लेना है एक्सट्रैक्शन से मशीन से। दूसरा उन्होंने एक और ऑप्शन दिया हुआ है 16 से आपने 20 ग्राम भी ले सकते हैं। तो इसके रेशो क्या होगा, दो रेशो होंगे, आपने अपने हिसाब से आपने यूज़ करना है। तो 1:1 की रेशो से भी आप यूज़ कर सकते हैं या 1:1.6 की रेशो से, हम रखते हैं 1:1.6 ही रखते हैं। तो इसमें मैं शॉर्ट निकालता हूँ 1:1 के हिसाब से, तो 16 ग्राम से मैं 20 ग्राम ही निकालूंगा, तो 1:1.6 के रेशो बनते हैं 20 ग्राम। अब मैं निकालूंगा इसमें 20 ग्राम, 16 ग्राम मैंने कॉफी निकाल। अगर आप सिंगल ग्रुप हैंडल लेंगे तो वो भी आपका सेम है, 9 ग्राम से आपने कितना निकालना है, 14 ग्राम आपने कॉफी निकालना है। या आप डबल ग्रुप कर रहे तो बस यही रेसिपी ठीक है। आप जहां जहां मैं डबल यूज कर रहा हूं आप वहां पे सिंगल यूज कर सकते हैं। अब मैं निकालूंगा 16 से 20 ग्राम, 16 ग्राम मैंने ग्राउंड कॉफी निकाले, अब मैं निकालूंगा 20 ग्राम। ये हमारा आ गया जी कोटाडो के लिए एस्प्रेसो। एस्प्रेसो का रेशो क्या हो गया, 1:1.6 या 1:1, यानी आपने 16 ग्राम कॉफी निकाली उसी से आपने 16 ग्राम भी निकाल सकते हैं या 16 ग्राम से 20 ग्राम आप निकाल सकते हैं। इसमें मैं यूज करूंगा मिल्क, ये हमारा एस्प्रेसो आ गया 20 ग्राम का, इसमें मैं 120 ml मिल्क यूज करूंगा हॉट कोटाडो। इसमें आप ml भी यूज कर सकते हैं, ग्राम भी यूज कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप ग्राम यूज करें क्योंकि कॉफी में ग्राम यूज करते हैं। इसमें मैं अभी ऐड करूंगा 120 ml ऑफ मिल्क, 120 ml गर्म दूध इसमें इस्तेमाल करूंगा, तो हमारा क्या बन गया जी कोटाडो। आप इसके ऊपर डिजाइन भी बना सकते हैं इसके अपने हिसाब से। अब मैं बनाऊंगा कोटाडो गेल मिल्क, तो टेम्परेचर वही सेम है, आप इसमें कप के हिसाब से आपने पोरिंग करना है। तो मैं कोटाडो में 120 ml मिल्क डालूंगा, तो इसमें मैं गर्म दूध करूंगा पूरा प्रॉपर 250 ml का मैं गर्म दूध करूंगा। अब मैं इस कप में ऐड करूंगा 120 ml ऑफ मिल्क। तो ये देखिए, ये मैंने कप रखी ऊपर, इसमें टेयर का बटन दबाया, जो कोटाडो के रेसिपी है रेशो है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप दूध गर्म करके इसके ऊपर आर्ट भी बना सकते हैं। आप इस तरह के गिलास लेना है, परफेक्ट क्वांटिटी के हिसाब से गिलास लेना है, फिर आपने इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा 120 ml। ये मैंने बनाया कोटाडो। अब मैं गिलास में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कोटाडो इन सब में फ़र्क क्या होता है, तो देखते हैं इसमें कितना फ़र्क आता है। ये देखें, इस गिलास में आया, फिर हमारा कप क्या हो गया, ये कप छोटा हो गया। तो आप इसे के हिसाब से भी आप देख सकते हैं इसमें फ़र्क। ये देखिए, ये हमारा बन गया जी एस्प्रेसो, ये हमारा बन गया जी रेस्ट्रेटो, ये हमारा बन गया जी पिकोलो, और ये हमारा बन गया जी कोटाडो। तो आप ये देखें तीनों में फ़र्क, मैं इसको तरतीब से इस तरह रखूँगा। ये देखें, ये हमारा आ गया एस्प्रेसो, ये हमारा आ गया रेस्ट्रेटो, ये हमारा आ गया पिकोलो, ये हमारा आ गया कोटाडो, जो तीन हमारे सीरीज हमने अपलोड किए हैं चैनल पे। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।